करिकुलम के बारे में मुख्तलिफ एजुकेशनस्ट और करिकुलम डेवलपर्स के व्यूज़ को जानने के बाद अगर हम इससे इमेज ऑफ़ करिकुलम यानी करिकुलम को किस तरह से मुख्तलिफ टर्म्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है अगर हम ये देखना चाहें तो लेट्स हैव ए लुक एट इमेज ऑफ़ करिकुलम ना करिकुलम को एक सब्जेक्ट मैटर या कॉन्टेंट मैटर के तौर पर भी मुतारफ़ कराया गया है इट कैन बी ए प्रोग्राम ऑफ प्लान एक्टिविटीज़ इट कैन बी ए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विद इंटेंडेड आउटकम जिसका क्या मतलब है कि हमें पता है कि हमने कौन से खसूस मकासद को हासिल करना है करिकुलम इज़ ए कल्चरल रिप्रोडक्शन कल्चरल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि हम किसी भी सोसाइटी में रहते हुए अपने कल्चर को और अपनी रिवायात को बरकरार रखना चाहते हैं So, curriculum is something which will enable any community, any nation to retain their cultural heritage and cultural values and their folklores. Curriculum can be an experience, it can be a collection of discrete tasks which are to be achieved by the classroom. इट कैन बी एन एजेंडा फॉर री सोशल रिकन्स्ट्रक्शन जब हम सोशल रिकन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम सोसाइटी को किस तरह से रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं अपने मुशरे में किस तरह से नॉलेज को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं और किस तरीके से हम अपने स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं सबसे यूनिक डेफिनेशन जो हम कुछ मॉडर्न डेफिनेशन भी कह सकते हैं वो है कि करिकुलम एज ए लिव्ड एक्सपीरियंस जहां पर हम टर्म कुरेर इस्तेमाल करते हैं कुरेर लिव्ड एक्सपीरियंस बच्चे जो क्लासरूम में एक्सपीरियंस करेंगे वही क्लासरूम का एक करिकुलम का दर्जा रखेगा यहाँ पर क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है वो इतना अहम नहीं बल्कि किन से गुजर के बच्चे कौन सा नॉलेज और कौन से स्किल्स सीखते हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ लेट्स हैव ए डीटेल लुक एट इच ऑफ दीज करिकुलम टाइप्स और नेम्स विच आर बींग यूज फॉर करिकुलम वन बाय वन ना द मोस्ट ट्रेडिशनल इमेज ऑफ करिकुलम इज करिकुलम एज सब्जेक्ट मैटर आप सब स्कूल से पढ़ के आए हैं और आप सभी लोगों ने मुख्तफ सब्जेक्ट पढ़े होंगे जिसमें कुछ आपके मेन सब्जेक्ट एरियाज लैंग्वेजेस के होंगे इंग्लिश उर्दू कुछ आपके स्किल्स के होंगे जहाँ पर हम मैथमेटिक्स और साइंस कंटेंट मैटर की बात करते हैं इस्लामियात होगा सोशल स्टडीज होगा सो सब्जेक्ट मैटर में हम जब करिकुलम को देखते हैं तो इससे टॉट सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाया जाता है और मिडीवल टाइम से जब ट्रीवियम और क्वाड्रीवियम की टर्म्स इस्तेमाल की जाती थी तो उस वक्त भी करिकुलम को एज ए सब्जेक्ट देखा जाता था सब्जेक्ट सेवन लिबरल आर्ट्स जो पढ़ाए जाते थे जिसमें हम ट्रिवियम, ग्रामर रिटोरिक और लॉजिक डायलैक्टिक के हर चीज की लॉजिक को स्टडी किया जाता था रिटोरिक इज ओरेटरी इज अबाउट लैंग्वेज रीडिंग एक्सप्रेशन तीन सब्जेक्ट्स के बाद चार सब्जेक्ट्स का इजाफा किया गया जिसमें क्वाड्रीवियम यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्री एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक को शामिल किया गया सो so, जब हम करिकुलम की या सब्जेक्ट मैटर बात करते हैं तो हमारे जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे मोस्टली स्कूलों में आजकल जो करिकुलम जो आम जबान में इस्तेमाल किया जाता है वो सब्जेक्ट्स की फॉर्म ही में है सो so, बहुत सारे अदवार के बाद बहुत सारी चीजें नहीं बदली लेकिन बहुत सारी नई डेफिनेशन भी हमारे करिकुलम डेवलपर्स को मालूम है और जिनके ऊपर गाहे बगाहे काम होता रहता है सो so, करिकुलुलुलम एज ए सब्जेक्ट मैटर वी हैव टू रिमेम्बर दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इंग्लिश उर्दू मैथ्स आर्ट फिजिकल एजुकेशन ये तमाम के तमाम लेसन्स इकट्ठा बनाते हैं कि ये हमारा एक सब्जेक्ट मैटर का करिकुलम हैिकुलम एज सब्जेक्ट मैटर करिकुलम एज ए प्रोग्राम ऑफ प्लान एक्टिविटीज गॉट ए डिटेल्ड सीक्वेंस स्कोप एंड इंटरप्रिटेशन नाउ जब हम स्कोप और सीक्वेंस और इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो उसमें बड़ी अहम बात यह है कि इससे बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर मोटिवेशनल स्ट्रैटीज टीचिंग टेक्निक्स जो भी क्लासरूम में इस्तेमाल की जाएंगी उन सब की डिटेल दी जाती है या कोई भी चीज जो भी टीचर अपनी क्लासरूम में कराना चाहती है एनीथिंग विच इज प्लान इन एडवांस सो क्लासरूम में जाने से पहले एक टीचर जो कुछ भी प्लान करेगी वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज उनकी आउटकम्स इसमें डिटेल्स बताई जाती हैं और फिर इसी के मुताबिक क्लासरूम में टीचिंग के तरीकाकार को इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों को मतहरिक करने के लिए टीचिंग लर्निंग के लिए एक्टिविटीज का इस्तेमाल किया जाता है सो सब्जेक्ट मैटर इज देयर बट अलॉन्ग विद्जेक्ट मैटर हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न एंड हाउ टू एनेबल टीचर्स टू टीच इफेक्टिवलीट द सेम टाइम दिस करिकुलज करिकुल जिसमें यह करिकुलम लिखा हुआ भी हो सकता है रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है और ये एक ऐसा करिकुलम भी हो सकता है जो लिखा हुआ तो नहीं है यानी अनरिटर्न है और ये टीचर्स के दिमाग में हो सकता है टीचर्स की प्लानिंग में शामिल हो सकता है सो ए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज विच इज टर्म्ड एज ए करिकुलम इट्स ए वाइल्डली डिफाइंड करिकुलम अभी हमने देखा कि करिकुलम एज ए सब्जेक्ट मैटर और करिकुलम एज ए प्लान ऑफ प्लान एक्टिविटीज क्या है